Hi dear students, welcome to school.com English classes. I am Vinay Kumar and we are going to study the chapter The Fun They Had from Behind of class 9th. As you are watching the pictures, you can imagine somewhere else something. Schools of the future. जो स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर हैं वो कहीं ना कहीं हम इस बुक को पढ़कर समझने की कोशिश किया करते थे, लेकिन ये बहुत जल्दी रियलिटी बन गया. ये ना कहीं ना कहीं जो कुछ भी चल रहा है हमारा उससे भी कनेक्ट करता है. किस तरीके से ये कनेक्ट करता है, जैसा कि अभी कोरोना काल है, आप लोग सभी अपने घरों पर होंगे, अच्छा है, और हम भी अपने घर पर हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से आपकी एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू रहे. अगर आप घर पे पढ़े रहेंगे और अगर आप नहीं पढ़ेंगे, जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, और आगे पढ़ने का तो कुछ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है जब तक कि आप कोशिश नहीं करते हो. तो एजुकेशन को हमें कंटिन्यू रखना है. अब किस तरीके से कंटिन्यू रखना है ये आपको पता है कि अब तो केवल एक ही मीन बचा है, और वो कौन सा है, ऑनलाइन एजुकेशन. और ऑनलाइन एजुकेशन में क्या हुआ करता है, हम जो कुछ सीखा करते हैं वो किसके थ्रू सीखते हैं, या तो आपके पास मोबाइल फ़ोन्स होंगे, है ना, या फिर आपके पास सिस्टम्स होंगे, कंप्यूटर्स होंगे. तो अगर हम ये क्या कर रहे हैं, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, है ना, और जो हमें प्रोवाइड की जा रही हैं वो क्या है, हमारी वर्चुअल क्लासरूम्स. तो इस तरीके से शायद आप भी अपने घर पर बैठते होंगे, है ना, इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख कर पढ़ते होंगे. तो यहाँ पर जो कुछ भी आपको मिलता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ करता है, आपका वर्चुअल क्लासरूम हुआ करती हैं. और इस पर सभी प्रकार की आपको बुक्स मिल जाती हैं, सभी प्रकार का जो कुछ भी रिलेटेड एजुकेशन मटेरियल होता है वो सब प्रोवाइड कर दिया जाता है. अब आपका ये जो एक सिंगल कंप्यूटर है, इस पे आप 1 बुक पढ़िए, 1000s बुक पढ़िए, 1 लाख बुक्स पढ़िए, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला. इमेजिन अगर आपको 1000 बुक्स अपने घर पे अरेंज करनी हो, कहीं ना कहीं पे रखनी हो, तो आपको एक अच्छा खासा स्पेस चाहिए होगा. लेकिन ये जो कंप्यूटर्स हैं, आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है, इस पे आप कितनी भी बुक्स पढ़ सकते हो और ये फिल भी नहीं होता है. आप पढ़ के और इसे डिलीट कर सकते हो, चाहो तो काफ़ी बुक्स को रख भी सकते हो, क्योंकि अभी जो हमारे पास गैजेट्स अवेलेबल हैं इनमें बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है. अगर बात करें बुक्स को रखने की तो ये जो हैं अब हमारे स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर हैं. अब स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर जो हैं कहीं ना कहीं हमारा प्रेजेंट भी बन चुका है. अभी जो राइटर हैं इन्होंने इमेजिन किया था 1951 में, जब कंप्यूटर्स बनना शुरू हुए थे, है ना, तब तो इतनी ग्रोथ नहीं हुई थी कंप्यूटर्स के फील्ड में. तब भी ये जो राइटर हैं इन्होंने कितने अच्छे से इमेजिन किया कि जो आने वाला टाइम है 2157 का, 2157, जैसा कि अभी तो 2020 चल रहा है, 2020, और अभी हम देख रहे हैं किस तरीके की सिचुएशन है. जो उन्होंने आज से लगभग 70 ईयर्स बिफोर इमेजिन किया था वो कितनी जल्दी सही होने जा रहा है, जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपने घरों पर बैठ के पढ़ रहे हैं, यही सारा कुछ इस चैप्टर के थ्रू बताया गया है. स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, तो उनके हिसाब से तो ये तो फ्यूचर की एजुकेशन हो गई. शायद उन्होंने इस चीज़ का इमेजिन नहीं किया होगा कि इस तरीके से जैसे कोरोना आया हुआ है ये आएगा, और इसकी वजह से बच्चे जो हैं क्लासेस में नहीं जा पाएंगे और ऑनलाइन एजुकेशन होगी, इतना शायद उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा. लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इमेजिनेशन काफ़ी सार्थक से दो रही है आज इस टाइम पर जब हम पढ़ रहे हैं, है ना. तो ये जो कुछ चीज़ें हुआ करती हैं जब हम सिस्टम पे पढ़ने बैठते हैं, तो देखें आप इस तरीके से आपके जो टेक्स्ट हैं, जो कुछ भी लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे मूव कर रहा है. तो ये जो टेक्स्ट हैं ऊपर नीचे होते हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, मूविंग टेक्स्ट. ये चलते हुए टेक्स्ट हैं आपके, इन्हें शायद आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे. अगर आप अपने सिस्टम पर बैठे हुए हैं तो वहाँ पर, अगर आप मोबाइल को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं तो उस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ये जो अक्षर हैं चलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मूविंग टेक्स्ट. इन्हें आप आसानी से समझ सकते हो. हाँ, हो सकता है आने वाले टाइम में
अगर बहुत लंबे टाइम तक स्कूल्स ओपन नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं रोबोटिक टीचर भी आपको पढ़ाएंगे। आने वाले टाइम में ये सारी फैसिलिटीज़ भी कहीं ना कहीं अवेल कर दी जाएंगी आपके लिए। अब वो सब कुछ अवेलेबल होगा इन एब्सेंस ऑफ टीचर्स। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? इट इज़ वेरी इजी। एंड सपोज इफ आई एम टीचिंग टू यू, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे सारे लेक्चर्स, हमारे साथी जितने भी हैं उन सभी टीचर्स के सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके इस तरीके के किसी भी रोबोट के अंदर इंस्टॉल कर दिए जाएं, सही तरीके से लोड कर दिए जाएं, तो फिर ये जो रोबोट हैं वो आपके टीचर बन जाएंगे। और हो सकता है आने वाले टाइम में इस तरीके की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएं आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए। तो लिखेंगे कि किस तरीके से ये जो हमारा फ्यूचर है वो बनने वाला है। इस चीज़ को ये काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी फॉरसाइट, दूरदृष्टि रखने वाले ये जो राइटर हैं, इन्होंने आइजक आइजमोब जो हैं उन्होंने ये सब कुछ लिखा है। तो देखते हैं किस तरीके से इन्होंने ये चीज़ इमेजिन की है। अब ये हमें ले जाना चाह रहे थे 2157 में, लेकिन वो पहले ही ऐसा सब कुछ हो गया 2020 में ही। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ दे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। तो द स्टोरी वी शैल, अब हम जैसे कि आपने कुछ साइंटिफिक मूवीज़ देखी होंगी, साइंस फिक्शन जो हुआ करते हैं ना, उनमें क्या होता है कि टाइम ट्रेवल हुआ करता है। अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर कहीं हम 2500, सन 2500 में पहुँच जाएंगे, सन 2200 में पहुँच जाएंगे, 50 साल आगे निकल जाते हैं, कभी 100 साल आगे निकल जाते हैं। जस्ट उसी तरीके से आप इस चैप्टर को लेकर इमेजिन कर सकते हो। अभी हम जो बात कर रहे हैं, आप इमेजिन कर लो कि हम टाइम मशीन में बैठकर 2157 में पहुंच चुके हैं, है ना। तब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर को कब, किसके बारे में पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे कि ये 2019 में किस तरीके के स्कूल हुआ करते थे, क्योंकि 2020 में तो ऐसे रहे नहीं हैं। तो 2019 तक जो स्कूल रहे हैं, 2020 तक मार्च से पहले आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। तो किस तरीके के स्कूल्स रहे थे, उन स्कूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो आपके स्कूल्स हैं वो एकदम बदल चुके हैं। अब आप समझ सकते हो किस तरीके का आपका स्कूल जो अभी चल रहा है, जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो। तो ये स्कूल है 2157 का, है ना। इस तरीके की जो इमेजिनेशन है राइटर की, वो सोच रहा था कि इतना बड़ा जो बदलाव है वो लगभग कब आने वाला है, 2157 में, लेकिन बहुत जल्दी आ गया 2020 में ही। तो अभी आप अपने आप को क्या समझ लीजिएगा कि हम टाइम मशीन में बैठकर 2157 में पहुंच चुके हैं, तब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, है ना। और जो अब अगर हम 2157 में पहुंच जाएंगे तो हमारे जो दादाजी के दादाजी हैं वो कहीं ना कहीं 2019 में पढ़ रहे होंगे, है ना। क्योंकि हम तो टाइम मशीन में बैठकर कहाँ पे पहुंच चुके हैं, केवल हम पहुंच चुके हैं, इसका मतलब ये थोड़े ही कि सारे के सारे लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो अगर पीछे का अब हम देखते हैं, तो पीछे 2019 का देखेंगे, तो 2019 में क्या हो रहा है कि हमारे जो दादाजी हैं या उनके पिताजी हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, क्लासेस में जा रहे हैं, है ना सर। जिस तरीके से अभी हम लोग 2019 में कर चुके हैं, रियलिटी है ना, अभी हम इमेजिनेशन में अलग हैं, रियलिटी में अलग हैं। देखेंगे कैसे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको अभी केवल इतना सोच लेना है, जब हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो हम लोग जो हैं वो 2157 में हैं, हम 2020 में नहीं हैं। अभी हम टाइम मशीन में बैठकर 2157 में पहुंच चुके हैं, और ये जो दुनिया है काफ़ी पीछे छूट चुकी है ना। तो हम कितने फॉरवर्ड हैं, कितने 100 साल से भी ज़्यादा आगे हैं, तो उस हिसाब से हम सोचेंगे, उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये बहुत सारे बदलाव हमारी सोसाइटी में आ चुके हैं। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, है ना। तो 3 चीज़ें आपको अपने स्कूल के बारे में सोचनी है, बात करनी है, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद किया करते हो, और 3 चीज़ें ऐसी जिन्हें आप बदलना चाहते हो, क्योंकि जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो बहुत अच्छी तरीके से, उन्हें ही आप बदलना चाहोगे, और जिन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से पसंद करते हो आप कभी नहीं चाहोगे वो चीज़ बदलें, है ना। आप लिख भी सकते हैं इन चीज़ों को, राइट देम डाउन। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन अ टाइम वेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स?
and there will be no books printed on paper. Would you like such books better? तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपने टेलीविज़न की स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, सेलफोन शायद इतने एडवांस उस टाइम पे बने नहीं होंगे, क्योंकि जिस टाइम पे ये चैप्टर लिखा गया था वो टाइम क्या था, 1951, सन 1951 है ना। तो यहाँ पर अगर सेलफोन्स होते उस टाइम पे, इतने एडवांस सेलफोन्स होते जैसे कि आज आप पढ़ रहे हैं, तो ज़रूर ही यहाँ पर मेंशन किया होता राइटर ने, लेकिन उस टाइम नहीं थे, कंप्यूटर की स्क्रीन आ गई थी और टेलीविज़न था, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, तो ये सोच रहे हैं राइटर, तब सोच रहे हैं, सोचो कितनी फॉरसाइड है, कितनी दूर तक का देखते हैं ये राइटर, कि ऐसे समय को इमेजिन करिए जब सारी की सारी किताबें कहाँ होंगी, कंप्यूटर्स पर होंगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और आने वाले टाइम में अगर जिस तरीके से एजुकेशन अभी चल रही है, तो शायद हमने आपको चैप्टर पूरा दे दिया है, आप अपनी स्क्रीन पर देखकर इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, इस समय शायद आपको बुक की कोई आवश्यकता ना हो, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है जो कुछ ही आप पढ़ना चाह रहे हो, तो बुक की तो कोई खास नीड है नहीं इस टाइम, है ना। तो अगर आपको इस तरीके से बुक्स की आवश्यकता नहीं होगी, आपको इस PDF डाउनलोड करना है नेट से, उससे आपको क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व आउट करने हैं, तो धीरे 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 ये जो है चलन बन जाएगा, है ना। और इस तरीके से सारी चीज़ें अगर होने लगेंगी, तो आने वाले टाइम में फिर बुक्स की नीड ही नहीं होगी, फिर केवल और केवल बुक्स कहाँ पे देखने को मिला करेंगी, कंप्यूटर की स्क्रीन्स पर। तो इस तरीके का टाइम भी एक दिन आ सकता है और 100% पॉसिबल है, जैसे कि अभी जिस सिचुएशन को हम देख रहे हैं, तो अभी आपको बुक की नीड नहीं है। सपोज अगर आप इसी चैप्टर को क्लास में पढ़ रहे होते, तो हम भी आपको काफ़ी इंसिस्ट करते कि बेटा बुक लेकर आओ, आपके साथ बुक होनी चाहिए, बिना बुक के आप कैसे समझोगे, लेकिन अभी हम आपसे नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि बुक की कोई नीड नहीं है अभी आपको। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, तो क्या आपको ऐसी बुक्स की आवश्यकता है जो बुक्स केवल और केवल स्क्रीन पर दिखाई देती हों, या फिर वो बुक्स ज़्यादा पसंद हैं आपको जो पेपर पे प्रिंट हो, तो क्या पेपर पे प्रिंट वाली बुक आप ज़्यादा पसंद करोगे, है ना, किस तरीके की ज़्यादा पसंद है आपको। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो आने वाला टाइम होगा, उस टाइम में शायद बच्चे रियल बुक को देखें ही ना, उन्हें नहीं पता चले 100-150 साल में ये जो हमारे पेपर्स होते हैं वृद्धि समझकर बेच भी दिए जाते हैं, और इधर उधर थोड़ी बहुत बुक्स अगर बचे हैं, तो हो सकता है 200 साल बाद इनका कोई काम ना रहे, क्योंकि घर पे यूज़लेस पेपर्स होंगे, उन्हें हटाया जाएगा, घर की साफ़ सफाई की जाएगी, बहुत क्लीन हाउस हुआ करेंगे। तो अगर इस तरीके के पेपर्स कहीं पर भी पड़े होंगे, तो जो बच्चों के पेरेंट्स होंगे, वो नहीं चाहेंगे कि ये कचरा जो है घर पर रहे, और वो उठाकर इसे कहीं बाहर डाल देंगे। तो धीरे धीरे हो सकता है कि आने वाले जो बच्चे हों, वो इस तरीके की बुक्स को देख भी ना पाएं, उन्हें देखने के लिए भी एक भी बुक ना बचे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना। तो ये जो बच्चे देखा करेंगे, वो किस तरीके की बुक्स हुआ करेंगी, ई बुक्स हुआ करेंगी, एक कंप्यूटर पे डाउनलोड की जाया करेंगी, और उसे ओपन करके बच्चे पूरी तरीके से स्टडी किया करेंगे। तो उन्हीं के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके के बच्चे होने वाले हैं। तो अपने आप को अभी आप रख सकते हो, अगर आप मार्गी है, मार्गी अपने आप को मान सकते हो, टॉमी है, टॉमी अपने आप को मान सकते हो, और आप अपने आप को कहाँ पर देखोगे, 2157 में। तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अब ये जो दोनों बच्चे हैं, वो कब हैं, 2157 में हैं, तो उसने 2157 में अपनी डायरी में लिखा है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। इसके बारे में मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा, ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157, शी रोड टूडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने क्या लिखा इस डेट पर, 17 May 2157 को, शी रोड, उसने लिखा, टूडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने लिखा कि टॉमी को एक रियल बुक मिल गई है, है ना, कि जैसे कि हमने बताया किस तरीके की सिचुएशंस आने वाली हैं, उस टाइम पे रियल बुक देखने को नहीं मिलेगी, बट बाई चांस कहीं से टॉमी को एक बुक मिल गई, ये एक रियल बुक है। रियल बुक से मतलब क्या है, पेपर पे प्रिंट की हुई बुक।
इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, ये जो है बहुत पुरानी है, क्योंकि ये 1957 में, और इन्हें लगभग 2019 की कोई बुक मिल गई होगी, है ना। तो उसे 100-150 साल पुरानी अगर किसी को मिलेगी तो सोच सकते हो किस तरह की कंडीशन होगी उसकी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, तो मार्गी के फादर ने ये बताया कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, एक छोटे से लड़के थे, तो उनके दादाजी, मार्गी के दादाजी ये बता रहे हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तो मार्गी के दादाजी क्या किया करते थे, टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम, उन्होंने उसे उन्हें बताया कि एक बार ऐसा हुआ था, ऐसा समय था, ऐसा समय रहा है, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी की सारी जो स्टोरीज थी वो किस पे प्रिंट की जाती थी, पेपर पर। अगर आप पिछली साल पढ़े होंगे तो आप रेयर ही ज़्यादातर इस तरीके से जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी, बुक से ना पढ़ के कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं या मोबाइल की स्क्रीन से पढ़ रहे हैं, ऐसे शायद नहीं पढ़े होंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 2019 में जो पढ़ाई हुआ करती थी वो मोस्ट ऑफ द टाइम किस पे हुआ करती थी, बुक्स पे हुआ करती थी। अभी हम एक ही साल के अंतर से इतना बता दे रहे हैं, तो सोचो 100-150 साल के अंतर से कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। दे टर्न द पेजिस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इन स्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, एंड देन वेन दे टर्न बैक टू द पेज वी फो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड वेन दे रीड इट इन द फर्स्ट टाइम। तो वो क्या थे कि पहले पेज पलटते जा रहे हैं ना, उन्होंने एक बुक जो मिली है उसके पेज वगैरह पलट के देख रहे हैं, विच वर येलो, जो पूरी तरीके से कैसे हो चुके हैं येलो कलर के, क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद जो बुक्स होती हैं उनके पेज जो होते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से छूकर फट जाने वाले और येलो कलर में चेंज हो जाते हैं। अगर आपने अभी कोई पुरानी बुक देखी हो तो वो शुद्ध हिंदी में लिखे होते थे, उसके ऊपर जो 1 2 3 है ये नहीं लिखे 1 2 3, है ना, जिस तरीके से छोटे बच्चे आप शायद देखे हों प्राइमरी वगैरह के, कहीं ना कहीं वो 1 काई 2 काई इस तरीके से पहले पढ़ा करते थे ना, तो उसी तरीके के अक्षर भी लिखे होते हैं। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पेजेस हैं वो क्रिंकली का मतलब क्या होता है, देखो इधर दे रखा है, दे भी रखा है, विद मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, काफ़ी मुड़े हुए, है ना, बहुत सारी मुड़ गए थे, बहुत सारी लाइन्स वगैरह बन गई थी। तो ये येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, अब क्या है ये आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे जो वर्ड्स हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, चल रहे हैं, तो ये जो है वर्ड्स चलते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो बुक्स हैं उसमें ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपकी पूरा का पूरा पेज आपका इस तरीके से मूव करे फट जाएगा, है ना। तो उनकी जो बुक्स हुआ करती थी, जैसे कि इन्हें ये ओल्ड बुक मिली है, इस बुक की बात कर रहे हैं, कि वो जो वर्ड्स हैं वो एक ही जगह बने हुए हैं, ऐसा नहीं है इस तरीके से मूव कर जाएं, स्टिल इन स्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, जैसे कि स्क्रीन पे इस तरीके से चल जाते हैं, उस पे चलना आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, यू नो, आप तो बहुत अच्छी तरीके से देख रहे होगे, समझ भी रहे होगे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, अब अगर रियल बुक होगी आप पेज पलटते हुए आते हो और वहीं पे आप देखते हो तो वो आपको क्या है सेम वर्ड्स वही वाले मिलेंगे, लेकिन इसमें अगर आप पेज पलट देते हो तो आपकी हो सकता है नई बुक खुल जाए या कोई वेबसाइट खुल के आ जाए या हो सकता है कुछ और दिखने लगे आपको, पेज अगर आपने हटाया तो कुछ अलग ही दिखेगा आपकी, हो सकता है जो स्क्रीन का वॉलपेपर वो निकल के आ जाए, थीम वो निकल के आ जाए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, लेकिन बुक में क्या होता था कि अगर वही वाला आपने पेज खोला तो वही वाली चीज़ जो कि लिखी है निकल के आएगी, दैट इट हैड हैड वेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, कौन सी वाली जो इन्होंने पहली बार पढ़ी थी वही वहाँ पर मिलेगी। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, क्या मजाक है, मतलब क्या ये चीज़ क्या है, कुछ नहीं, बेकार फालतू की चीज़ है, बकवास। When you are through with the book, you just throw it away, I guess. मेरा अंदाज़ा है, जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आपने एक बुक एक बार पढ़ ली तो फिर तो आपको वो बुक फेंकनी पड़ेगी, फिर क्या ज़रूरत है आपको उस बुक को रखने की। Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more.
आई वुडेंट थ्रो इट अवे। तो अब ये जो है टॉमी इस चीज़ को देखकर बोलता है कि आपकी जो स्क्रीन है, अगर आप इस पे एक बुक पढ़िए, 1,000 पढ़िए, 1,000,000 पढ़िए और मिलियंस पढ़िए, है ना, तो भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और आपको जो भी बुक आपने पढ़ी है उसे फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं है, किधर किधर भी छोटे से कॉर्नर में डाल दीजिए, पड़ी रहेगी, है ना। लेकिन ये जो बुक्स आपकी पेपर पे प्रिंट थी, इन्हें आप अगर पढ़ते हैं और ख़त्म हो जाती है, आप पढ़ लेते हैं, तो उसका क्या करोगे फिर? उसे तो फेंकना ही फेंकना है। और अगर आप घर पे रखोगे, इसे सारी बुक्स को रखोगे, तो कितना स्पेस चाहिए आपको रखने के लिए? इस तरीके से ये तो उसे मजाक जैसा लग रहा था कि पेपर पे भी प्रिंट करके कोई पढ़ता है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, सेम विद माई, सेड मार्गी, आई वुडेंट थ्रो इट अवे। तो मैं जो स्क्रीन पे बुक्स पढ़ा करता हूँ उन्हें मैं फेंकता नहीं हूँ। सेम विद माइन, सेड मार्गी, मार्गी ने कहा, मेरे साथ भी सेम ही हुआ करता है। शी वॉज 11 एंड हैडन्ट सीन एज मैनी टैली बुक्स एज टॉमी हैड। तो अभी वो तो छोटी थी, केवल 11 साल की है, उतनी सारी बुक्स उसने अभी नहीं देखी हैं जितना कि टॉमी पढ़ चुका है ना। सी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट? अब उसने कहा, अरे ये तो बताओ तुम्हें ये आखिरकार मिली कहाँ से? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने इशारे से बता दिया, उसने कह दिया बिना देखे ही, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। तो वो सबसे ऊपर वाले रूम में कहीं पर, ये जो एटिक है वो दिया रखा है आपके में, आ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, है ना। तो एक दो तरीके के एटिक होते हैं। एक तो जो छत के ऊपर वाला, सबसे ऊपर जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम पानी की टंकी रखी होती है, उसे भी एटिक कह दिया करते हैं। और दूसरा जो आप देखते होंगे छज्जा टाइप में, जो घरों के नीचे कहीं ना कहीं बना दिया जाता है, छत के नीचे बना दिया जाता है, जिसपे हाँ घर वाले हमारे सामान वगैरह भर देते हैं, उसको भी कहते हैं यूज्ड एज अ स्टोर रूम। उसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है? एज अ स्टोर रूम यूज़ किया जाता है। तो वहीं कहीं पे बैठ के वो पढ़ रहा होगा। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वॉस इट अबाउट? तो उसने पूछा कि अरे जो तुम पढ़ रहे हो वो क्या है, किसके बारे में ये बुक? तो उसने बताया स्कूल। किसके बारे में ये बुक? जो है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, वॉट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी कहती है, क्या कितनी बकवास बुक है, स्कूल के बारे में लिखी है? अच्छा, स्कूल के बारे में भी क्या लिखा जा सकता है? ऐसा क्या हो सकता है स्कूल के बारे में? मुझे स्कूल स्कूल पसंद नहीं है, मुझे बहुत हेट है स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा से ही बहुत ज़्यादा घृणा थी स्कूल से, लेकिन अब उसे और ज़्यादा होने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब वो स्कूल का मतलब तो समझती नहीं थी। उसने क्या है कि स्कूल जिस तरीके के आप लोग देख चुके हो, हम लोग देख चुके हैं, वैसे स्कूल्स तो मार्गी ने नहीं देखे थे ना। वो जब से थोड़ी सी भी समझदार हुई थी, उसकी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी, उसने तो केवल रोबोटिक टीचर्स देखे थे, कंप्यूटर स्क्रीन्स देखी थी और टैली बुक्स देखी थी जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र आती हैं। उसने रियल स्कूल कभी इमेजिन ही नहीं किया था। तो उसे तो यही पता था कि जो स्कूल हुआ करता है वो तो ऐसा ही होता है, एक पास वाला रूम होता है, उसमें शांति से हमारे मम्मी पापा बैठा दिया करते हैं, और उसके स्क्रीन के ऊपर क्या है कि एक चैप्टर खोल के आ जाया करता है, और फिर जो कंप्यूटर है हमें पढ़ाना शुरू कर दिया करता है, रोबोट होता है पास में वो पढ़ाना शुरू कर दिया करता है, आवाज़ आने लगती है, बस यही पढ़ना होता है। तो ये जो स्कूल्स होते हैं ये बड़े बोरिंग होते हैं, क्योंकि उसके लिए यही स्कूल था। जिस तरीके के स्कूल्स आप देख चुके हो, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर बैठा करते हैं, बातचीत किया करते हैं, हंसी मजाक किया करते हैं, आपस में बात किया करते हैं, इस तरीके के स्कूल्स मार्गी ने कभी देखे ही नहीं थे, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा हेट थी, है ना, स्कूल से। इस वजह से वो हेट किया करती थी। मार्गी ऑलवेज हेटेड।